Hello everyone. So in this video, we'll talk about tangent galvanometer. वो कैसे काम करता है, किस principle पर काम करता है, उसका use क्या है. So we'll see all these things in this video. तो पहले हम tangent galvanometer का structure एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पर एक horizontal plane में we have a dial और इस dial पर angles measured है. और इसमें एक magnetic needle है which can rotate. अगर यहाँ पर कुछ भी magnetic field होगी, horizontal component होगा earth की magnetic field का, it will align itself in the direction of that. और यहाँ पर आपको एक black color का circle नजर आ रहा है जो कि एक vertical plane में lie करता है. अब इस circle में conducting coil है, right? और आप उस conducting coil में current को pass कर सकते हो. अगर आप इसमें current pass करोगे तो there will be a magnetic field by the current carrying coil. अब देख लेते हैं कि किस principle पर काम करता है. तो इसका principle बहुत ही simple है कि अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर फील्ड्स हैं, तो जो मैग्नेटिक नीडल होगा, इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. इसको एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं. सो अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, सी बी वन एंड दिस इज बी टू, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके डायगनल के लॉन्ग होगा. दिस इज द रिजल्टेंट. तो जो मैग्नेटिक नीडल, इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेट. इस तरह से आपकी नीडल जो है अलाइन हो जाए. तो ये है टेंजेंट लॉ.